क्या करना चाहिए? कोई इन्वेस्टमेंट का टारगेट है क्या इससे बंधा हुआ? नहीं, कोई नहीं। नहीं, चलिए एवरेज प्राइस करके भी आपको मुनाफा तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बांधना भी नहीं चाहेंगे इस मुनाफे को, थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे? नहीं, हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, विनोद साहब बताइएगा, लंबा रुकना है फिलहाल मुनाफे में भी, या थोड़ा सा बांध लें क्या? ये स्टॉक ऑलरेडी देखिए तो टॉप से ऐसा कैसा करेक्ट हुआ है, और स्टॉक की जो नंबर्स देखे पिछले क्वार्टर के काफी बेहतर नंबर थे, लेकिन केवल थोड़ा सा एसेट क्वालिटी का कंसर्न आया था, उनके जो ओवरऑल स्लिपेजेस थे वो बड़े थे, जिसका जो निवेशकों को पसंद नहीं है, उसके वजह से देखो नंबर्स के अच्छे नंबर आने के बावजूद भी स्टॉक गिरे। नो डाउट 10 लाख करोड़ का इनका ओवरऑल लोन बुक है जो बहुत साइजेबल माना जा सकता है आने वाले सालों में, 5 सालों में। अगर मुझे लगा ये 10 से 15% के बीच में, लेट से अगर 12% भी अगर ग्रो करे इनका लोन बुक, तो साइजेबल ग्रोथ होगा। एट द सेम टाइम 105 का भाव से मैं देखू तो लगभग FY27 के एंड वैल्यूएशन पे लेस देन 1 टाइम अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की ओवरऑल जो इनका जो क्रेडिट टू डिपोजिट रेशियो देखिए 70% और सबसे बेहतर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो मुझे लगता है ये लेवल पे मुझे नहीं लगता है बेचना चाहिए। यस, अगर उनकी पैसे की जरूरत है तो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट मुझे लगता है लॉन्ग अवधि के लिए ये अच्छा खासा रिटर्न बना करके देगा।